अति किसी भी चीज की हो ठीक नहीं होती। अगर ये फिलहाल के मौसम हालातों के बारे में कहा जाए तो एकदम सही होगा। लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बिहार के शेखपुरा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 50 से ज्यादा बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बच्चे गर्मी से बेचैन हो रहे हैं। विद्यालय खुला, विद्यालय आने के बाद साफ सुथरा हुआ, प्रार्थना में बच्चे लोग लगे, उसी दौरान बच्चे 4-5 बच्चे गिर गए, बेहोश होकर गिर गए। और सब हम लोग मिल करके उसका उपचार करने लगे। थोड़ी देर के बाद गार्जियन बहुत लोग आ गए, वो लोग भी अपना गए, फिर एम्बुलेंस को मैंने लगाया तो वो भी रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया। पूरा बेहोश हो रहे हैं, हमको छुट्टी चाहिए सिर्फ। पूरा बहुत आदमी गिर गया है, यहाँ पे क्या होगा, पढ़ाई भी नहीं होता है। होता है मतलब कि ऐसे पढ़ाई इस गर्मी में नहीं चाहिए। बच्चे परेशान हो गए, आधा बहुत ज्यादा बच्चे गिर गए बेहोश होकर गर्मी की वजह से। और क्या दिक्कत हो रहा है? और यहाँ पे पंखा लगा हुआ है तो उसमें गैस नहीं निकल रहा, और दो ही पंखा हुआ लगा हुआ है, फिर गैस कैसे निकलेगा, उतना सारे बच्चे पढ़े हुए। गर्मी की छुट्टी, इतनी सारी गर्मी है। कितना 6 बजे खाना खाते हैं? खाना भी एक आवर खाते हैं, कभी कभी भूख भी आ जाते हैं। बच्चों की ऐसी हालत देखकर अभिभावकों ने स्कूल के सामने रोड जाम कर दी और प्रशासन से स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक करने या फिर स्कूल की छुट्टी कर देने की मांग करने लगे। बेहोश हो रहे हैं क्लास में। सरकार से निवेदन है कि वो माने गर्मी को देखते हुए छुट्टी घोषित किया जाए, नहीं तो टाइम टेबल में बदलाव किया जाए और स्कूल में सुनिश्चित माने पंखे और अति की व्यवस्था की जाए। इसी चलते हम लोग रोड जाम किए हैं। दर्जनों बच्चे माने बेहोश हो गया, गिर गया है और एम्बुलेंस बुलाने पर भी नहीं आया है। हम लोग अपना मोटरसाइकिल से कैसे करके सदर हॉस्पिटल भर्ती कराए हैं। कौन सा स्कूल का मामला? अभी जो गर्मी का प्रकोप है, जिसका टेम्परेचर अभी बहुत हाई लेवल में जा रहा है, इसके चलते बच्चे लोग को परेशानी हो रही है। ये इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है, उसके चलते ये लोग बच्चे को बेहोशी का चक्कर आना, उल्टी होना, ये सब लक्षण दिखाई दे रहा है। अभी सभी जो बच्चे जो आए हैं स्कूल से, अभी सब स्टेबल हैं और ठीक ठाक हैं। गार्जियन से भी पूछा गया और बच्चे से भी पूछा गया, सब लोग अपने अच्छे बता रहे हैं कि ठीक ठाक अब लग रहे हैं, इसलिए अभी स्टेबल है मरीज सब। बाकी फर्दर बिहार का तापमान वर्तमान में 40 डिग्री के ऊपर है। ऐसी स्थिति में जहां मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बंद क्यों नहीं करवाए गए? और अगर किसी वजह से स्कूलों का खुला रखना जरूरी था तो व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गईं? इतनी बड़ी लापरवाही और बच्चों के खराब स्वास्थ्य का जिम्मेदार आखिर कौन है?